फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट वुमेन, जहां मैं बात करती हूँ फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल के बारे में। सो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है ये है कि लिप ग्लॉस के ऊपर। लिप ग्लॉस के बारे में आपने बहुत सुना होगा, मे बी आपके पास होगा भी। एंड अगर अभी तक आप सोच रहे हो परचेज करने का, तो मैं आपको बताऊंगी माई ग्लैम के कुछ लिप ग्लॉस के बारे में। एंड के प्ले के 4-5 वेरिएशन मैं दिखाऊंगी और वो बताऊंगी आपको कि कौन से आप पिक कर सकते हो और कौन सा आपको पिक नहीं करना चाहिए। So without wasting any time, let's get start the video. Start with the pink one. So friend, आप देख सकते हो मेरे पास pink color के दो lip gloss है। F का जो नाम है वो number है 11 है, pink guava, pink guava करके है इसका नाम। And इसका texture wise बताऊँ तो as a lip gloss तो glossy होते ही है, इसमें कोई बात नहीं है। देखो तो इसका जो texture है friend कुछ इस तरह से है। मैं आपको बताऊं, अगर आप कहीं नीचे जा रहे हो, पार्क में जा रहे हो, कहीं ऐसे नॉर्मल जगह पे जा रहे हो ना, तो ये सिर्फ लिप ग्लॉस लगाते ही आपका काम बन जाएगा। मतलब हर बार हम नहीं चाहते ना कि मतलब एकदम चंकी सा कुछ करे, तो ये पिंक वाले में बहुत ज्यादा चंकीनेस नहीं है, एक न्यूट्रल सेड में ग्लॉस है ये। है जैसे नॉर्मल एक मैंने कलर बार का ये लिपस्टिक है मेरे पास, तो इसको मैं इसके ऊपर लगाती हूँ। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने इस लिपस्टिक को यहाँ पे रब किया एंड इसके ऊपर जब मैं, आप चाहोगे कि थोड़ा सा ग्लॉस लगाए तो इससे भी थोड़ा सा 3D सा इफेक्ट आता है और वो काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो जब हम लिपस्टिक की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम क्या लिपस्टिक हम रखते हैं, जैसे कि पिंक, एक न्यूड, एक रेड, एक मेहरून, जिसको लगाने का शौक है। तो ये है मेरे पास, इसका जो नाम है फ्रेंड चेरी बर्स्ट है, और इसको ये मेरे को इतना ज्यादा पसंद है बिकॉज कि मैं उनमें से हूँ जिनको मतलब डार्क लिपस्टिक लगाना काफी ज्यादा पसंद है। देखो जैसे मैंने ये वाली लिपस्टिक लगाई है, तो इसके ऊपर भी मैं जब ये ग्लॉस लगाऊंगी ना, तो ये एकदम से अलग लगेगा। देखो मैंने बहुत लाइट लगाया है, आप चाहे तो इसमें थोड़ा और अप्लाई कर सकते हो, ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो आप। तो इस तरह से देखो, इस तरह से ऐसा दिखे, बस एक स्वाइप करने पे ही इसका, आप देख रहे हो कितना खूबसूरत ये दिख रहा है फ्रेंड। इसका नाम है इस नंबर 12 ऑरेंज स्पाइन करके है। इट्स नॉट टोटली रेड, बट रेड टोन में आता है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑरेंज टोन के लिपस्टिक, ऑरेंज कलर के लिपस्टिक आप कहाँ लगा सकते हो, लाइट ऑरेंज कहाँ लगा सकते हो। तो अगर आप वो मैंने वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके देखना, तो आपको दिखेगा। सो फ्रेंड देखो, ये जो है इट्स नॉट टोटली ऑरेंज, इट्स नॉट टोटली रेड, तो ये थोड़ा सा रेड का भी टोन रखता है एंड ऑरेंज का भी टोन लगता है। तो इस तरह की जैसे मैंने ये ड्रेस पहना है, तो इसके ऊपर भी मैं ये लिपस्टिक अप्लाई करती तो ये काफी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। एक ये कलर है, बहुत लोगों को ये कलर लगाना बिल्कुल पसंद नहीं होता, बहुत लोगों का फेवरेट होता है। तो आप देखो आप किस कैटेगरी में हो, उसके अकॉर्डिंग ही परचेज करना। एंड ये वाला जो है, इसका नाम है बेरी ब्लास्ट, बिकॉज इट्स लाइक अ ब्लू बेरी, तो इट्स अ बेरी ब्लास्ट। एंड इसको, इसका ये जो मुझे इतना ज्यादा पसंद है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये देखो, ये मतलब इतना खूबसूरत इसका, देखो सबके टेक्सचर में इतना, मतलब बहुत टेक्सचर वाइज कहूँ ना तो सबके सब बहुत ज्यादा लाजवाब है। एंड मतलब मैं तो कहूंगी आप इसको खरीद सकते हो अगर आप इस कलर में कपड़े हैं आपके पास, इस तरह के डार्क लगाना आप प्रेफर करते हो, तो ये वाइन कलर, ब्लू बेरी टाइप का जो कलर है ये आप परचेज कर सकते हो। ये मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है ग्लिटरी ग्लॉस में। ये ग्लॉस जो मैंने आपको दिखाया है ये थे जिसमें अलग से कोई ग्लिटर इंक्लूड नहीं किया गया है। एंड ये वाले जो मेरे पास दो ग्लॉस है जिसमें थोड़ा सा ग्लिटरी पार्टिकल है, आपको ग्लिटर इतना उभर के ऐसा नहीं लगेगा लेकिन उसमें अंदर ग्लिटर पार्टिकल है। एंड ये मनीष मल्होत्रा का जो माई ग्लैम पे सिलेक्टेड आइटम्स होते हैं उनमें से है ये। ये कंपेयर्ड इनका जो प्राइस होगा फ्रेंड मैं यहाँ पे लिख दूंगी नीचे में। एंड ये वाले जो होते हैं थोड़े से प्राइस वाइज महंगे हैं कंपेरेटिवली इन सब से। एंड इनका जो, इसका जो नाम है ये है मॉडर्न मूव्स करके, फर्स्ट वन। तो मैं इसका टेक्सचर आपको दिखाती हूँ,
एलियन का ये अनदर सेट का नाम है रेवेशिंग रेड। तो ये दो टोन्ड को ब्राउन एंड रेड ऑरेंज, ये लगता है जैसे दो तीन कलर का मिक्सचर ऑफ है। एंड ये लुक वाइज आप देख सकते हो, इनकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत स्टडी है। एंड ये आप इसका जो ये भी आता है कुछ इस तरह से आता है। एंड इसको मैं आपको लगा के अप्लाई करके दिखाती हूँ। सो फ्रेंड, लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन बताती हूँ कि कौन कौन से ग्लॉस आपको परचेज करने चाहिए एंड कौन से परचेज नहीं करने चाहिए। तो आप मैं कहूंगी ये जो इन दोनों का जो मैंने दिखाया है, इसमें से आप रेवेंसिंग रेड वाला जो है अगर आप परचेज करते हो तो इसमें थोड़ा सा ऑरेंजिस टोन भी आ जाता है, तो आपको ये अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लाइट सेड के ग्लॉस को अप्लाई करते हो या लाइट सेड की लिपस्टिक को अप्लाई करते हो, तो इन सब में से मैं आपको बोलूंगी कि पिंक वन आपके पास जरूर होना चाहिए ग्लॉस। आप इस रेड कलर की लिपस्टिक पे भी थोड़ा सा अगर अप्लाई करोगे तो पता नहीं चलेगा एंड ग्लॉसीनेस आ जाएगा। तो ये मतलब उन लोगों के लिए है जो लाइट से ज्यादा लगाना चाहते हैं। एंड डार्क कलर के वेरिएशन, डार्क में तो बहुत सारे वेरिएशन है, लेकिन जो रेड एंड मेहरून टाइप के ज्यादा लगाते हैं तो उनके लिए ये वाला ग्लॉस काफी ज्यादा यूजफुल होगा। एंड अगर आप चाहे तो सब कुछ परचेज कर सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा हर कलर की लिपस्टिक लगाते हैं तो ये पांचों को अगर आप परचेज करते हो तो और भी ज्यादा आपको कोई ग्लॉस खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो फ्रेंड, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।